अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो हम रोज़ क्या मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। तो ये ब्रोच की बेस है और इस बेस के ऊपर सबसे पहले मैं ग्लू को अप्लाई करूँगी। अच्छे से ग्लू अप्लाई करने के बाद सिंपल क्ले हम लेंगे अपनी ये वाइट कलर की और इसे सेंटर में रख के देन प्रेस करेंगे। ये ऐसे ये चीज़ इतनी आपकी बाहर भी होनी चाहिए, ठीक है। ये जब ये हमारी इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगी तो फिर हमने ग्लू को अगेन अप्लाई करके अपने रोज़ की अरेंजमेंट करनी है। लेकिन रोज़ की अरेंजमेंट करने से पहले हम लीव्स की करेंगे। फ्लेक्सिबल क्ले है ये मेरी और अब ये रोज़ मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ठीक, अच्छे से ऊपर से प्रेस कर दिया मैंने। अब कुछ लीव्स हम यहाँ से इसके अंदर लगाएंगे, कुछ मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगी। और कुछ यहाँ से ये स्मॉल रोज़ेस को जब हम इसमें लगाएंगे तो वायर के ऊपर ग्लू को अप्लाई करके देन इंसेंट करेंगे ताकि ये मज़बूती के साथ अच्छे तरीके से इसके अंदर लग जाए। ये वायर के साथ मैंने ग्लू लगा के फिर इनको इंसर्ट्स कर रही हूँ ताकि ये मज़बूती से लगें। आप चाहें तो यहाँ पर स्टोन वर्क भी कर सकते हैं। इन रोज़ेस का, इन बर्ड्स का, लीव्स का ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी।
बीच में ही हम बर्ड भी लगा रहे हैं। स्मॉल रोज़ेस जो मैंने लिए थे वो 12 थे और इनकी बर्ड जो थी वो 6 थी। जब हम इन्हें फिक्स कर देंगे देन उसके बाद हम इसकी अरेंजमेंट, इसको किस तरह ये हमारी सेट होगी वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोच है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये क्लास अच्छी लगेगी ज्वेलरी मेकिंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।